उत्तर प्रदेश से खबर है, जहां पर कानपुर देहात में 3 साल पहले बच्चे को अगवा कर रेप हत्या और फिर उसका कलेजा खाने के मामले में कोर्ट ने दंपति समेत 4 आरोपियों को आजीवन की सजा सुनाते हुए 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं मृतक बच्चे के पिता ने न्यायालय का धन्यवाद किया। ये मामला ग्राम घाटमपुर तहसील व थाना घाटमपुर के भद्रस ग्राम का था। दिनांक 14/11/2020 को वहाँ के करण कुरील की बेटी श्रेया, करण कुरील की बेटी खेल रही थी, अचानक जो है मुलजिमान अंकुल हुला और बीरेन उसको ले जाते हैं और इसके बाद अगले दिन उसकी लाश गुन्नू त्रिपाठी के खेत में मिलती है और छत बिछत हालत में मिलती है। उसका पेट कटा हुआ था, उसके इंटरनल ऑर्गन्स जितने भी थे वो बॉडी के वो गायब थे। बाद में पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया और इन्वेस्टिगेट करने के बाद पुलिस ने 4 लोगों को मुलजिम बनाया, अंकुल हुला, बीरेन, परशुराम और सुनैना, और इसके उपरांत चार्जशीट आई और आज उनको सजा हुई। कितने गवाह इसमें पेश हुए, इनका मोटो क्या था आखिर में हत्या करने? देखिए, इनका मोटो ये था कि इनको, चूँकि जो सुनैना थी, सुनैना और परशुराम पति पत्नी है और अंकुल उनका भतीजा है, तो सुनैना के 18 वर्ष से कोई आबो औलाद नहीं हुई थी, तो उनको किसी ने बताया होगा कि अगर आप किसी नवजात बच्ची का, कम उम्र बच्ची का कलेजा खा लो तो तुम्हें बच्चा हो सकता है। इसी धारणा में उन्होंने उस योजना में षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रच के उन्होंने उस योजना में अंकुल और वीरेन को शामिल किया और इसके उपरांत उन्होंने इस जघन्य पाशविक घटना को अंजाम दिया। कितनी देर में ये सजा सुनाई गई है और कितनी चार्जशीट पुलिस ने दायर की थी, कितने गवाह इसमें पेश किए? इसमें 10 गवाह थे, पुलिस ने 10 गवाह पेश किए, 1 गवाह जो है बचाव पक्ष की ओर से भी पेश किया गया और बहुत ही जल्दी इसका निर्णय हुआ है। करीब 2-2.5 साल के अंदर में, लगभग 3 साल में इसका निर्णय पूर्ण हो गया। अगर सजा की बात करें तो क्या सजा दी गई? सजा आजीवन कारावास दी गई सभी अभियुक्तों को, 20,000 रुपये का जुर्माना दिया गया है। चूँकि अभी पूरा पूर्ण रूप से आर्डर हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, उसकी समीक्षा करेंगे। ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का था और अभियोजन पक्ष द्वारा स्पष्ट रूप से इसमें फांसी की सजा की मांग की गई थी, लेकिन माननीय न्यायालय ने जैसा उचित समझा उन्होंने इसको आजीवन कारावास की सजा दी है और हम लोग इसकी समीक्षा करेंगे और समीक्षा के उपरांत अगर देखते हैं, अगर कुछ ऐसा लगता है तो हम लोग इस पर सजा की वृद्धि के लिए उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं। घाटम दिवाली का समय था, माई बिटिया को ये 4 लोग ले गए थे, रात भर ढूंढते रहे, सुबह पता चला कि आपकी बिटिया वहाँ पड़ी है, तब उसको लेके आए, तब इन लोगों ने कबूला कि हम कन्या की कलेजी खाएं तो हमारे औलाद होगा। किन लोगों ने? परशुराम और सुनैना ने। ये पति पत्नी है? पति पत्नी। और दो लोग कौन है? दो लोग भतीजे हैं, गांव के रहने वाले। गांव के रहने वाले। क्या नाम है? बीरन, अंकुल, हुला। क्या सजा हुई है इनको? आजीवन कारावास हुई है। तो संतुष्ट हुई? संतुष्ट है सर, क्योंकि रोज जिए ये रोज मरे। जैसे माई बिटिया को तड़फा के मारा है, इन लोगों के साथ ऐसा ही है। इस बार न्यायालय से हम खुश हैं कि न्याय मिला हमको।